हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लगभग भी सुबह का 7:50 हो रहा है और मैं जो है चाय नाश्ता कर चुकी हूँ। बच्चे भी उठ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी सुबह सुबह लग गए ये लोग फ़ोन में, कोई काम नहीं है। मैं थोड़ा बाहर बैठी थी, यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वीडियो बना रही थी और इन लोगों को मौका मिला, इन लोगों ने फ़ोन उठाया और लग गए फ़ोन में। और हर्षो तो देख सकते हैं आप लोग ब्रश करते करते लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग ब्रश कर रहे हैं और लगा हुआ है फोन में कार्टून देखने के चक्कर में। तो गाइस, आज मैं अभी जाने वाली हूँ थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल, जो मैंने आपको बताया था कार्तिक को दिखाने के लिए। आज जो है पूरी रिपोर्ट हो सकता है आ जाएंगी, क्योंकि हॉस्पिटल ने बोला था कुछ रिपोर्ट जो थी 4 दिन बाद बोली थी। जैसे यूरिन टेस्ट हुआ था, एक एक्सरे हुआ था और 2 ब्लड टेस्ट हुए थे। तो जो है उन्होंने बोला था डॉक्टर ने कि आप ना 4 दिन बाद आना। तो फ्रेंड आज बुधवार आ रहा है और हम आज जा रहे हैं, देखते रिपोर्ट्स आती हैं कि नहीं। तो गाइस मैं कहीं और अभी कार्तिक को नहीं दिखा रही हूँ, आज यहाँ जाके जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ दिखा लेती हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई दिक्कत लगेगा तो फिर हम कहीं और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। रिपोर्ट्स भी आनी ज़रूरी थी, कल मुझे मंगलवार था जो बीत गया, उसमें मुझे बुलाया था मजिदिया हॉस्पिटल में, पर गाइस मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट्स नहीं थी। और रिपोर्ट्स मैंने जिस हॉस्पिटल में कराई थी उसी में मुझे जो है दिखानी है, उसके बाद जो है अगर कोई दिक्कत लगेगा उसका इलाज कराएंगे। वैसे तो अपेंडिक्स बताया था, लेकिन अगर डॉक्टरों ने सब कुछ नॉर्मल भी बोल दिया ना तो भी मैं एक अल्ट्रासाउंड जो है ज़रूर कराऊँगी अपनी तसल्ली के लिए, क्योंकि अपेंडिक्स ठीक नहीं होता। इसलिए देख सकते हैं आप लोग, मैंने सूट निकाल लिया अपना, इसको भी करना है प्रेस हर्षो के ब्रश करने के लिए। हर्षो जब तक ब्रश करके आएगा उसके कपड़े भी निकाल देंगे। और अभी घर का जो है साफ़ सफाई सारा काम पड़ा हुआ है, मैंने बेड खाली सही बना दिया, खाली सुबह उठते ही मैंने बेड बना दिया है। और अभी जो है बर्तन तो ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े बहुत कपड़े होंगे, एक जोड़ी मेरे होंगे, एक जोड़ी कार्तिक के, एक जोड़ी हर्षो के, 3 जोड़ी कपड़े हैं। तो जल्दी करते, देर ना करते, फटाफट जो है अपने घर के कामों में जल्दी से लग जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। देख सकते हैं ये कुछ पेपर से हॉस्पिटल्स के जो टंगे हुए हैं, ये भी मुझे जो एक्सरे कराया था वो तो उसी दिन आ गया था, वो भी मुझे डॉक्टर्स को दिखाना है ठीक है कि नहीं है, या इसको फीवर क्यों आ रहा था, पेट दर्द की वजह से फ्रेंड मुझे भागना पड़ा। तो 5 दिन की जो दवाइयाँ थी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। कार्तिक खाली पेट की दवाई, गाइस खाली पेट की किसकी दवाई होती है, वो मिस हो गई है। अभी तो फिलहाल इसने 2 रस चाय पिए, मैं दवाई खिला देती हूँ इसको, बहुत याद करके दवाई खानी पड़ती है। तो चलते हैं, आप लोग बने रहिए कंटिन्यू ब्लॉग में और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं यहाँ तक की पहुँची हूँ। अभी मेरे कुछ दिन बाद 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ये सब आप लोगों का सपोर्ट है। तो चलते हैं, अगर मेरे 2K सब्सक्राइबर जो हो जाएगा कंप्लीट तो मैं सेलिब्रेट भी करूँगी आप लोगों के साथ में। तो बने रहिए आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में, जैसा भी होगा हॉस्पिटल में हम लोग आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक काम आप करके फ्री होकर मिलेंगे आपसे। सो फैमिली, हम लोग आ चुके हैं घर पे हॉस्पिटल से होके, जो भी डॉक्टर को हमने दिखा ली, रिपोर्ट जितनी थी वो सारी हमने डॉक्टर्स को दिखा ली। और जो रिपोर्ट मैं आपको बोल रही थी कि आने वाली वो भी आ गई थी, यूरिन टेस्ट वाली और एक्सरे और ब्लड टेस्ट, एक डेंगू की थी, एक मलेरिया की थी, जितनी भी रिपोर्ट थी सारी आ चुकी है। डॉक्टर ने देखा, बोल रही बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी नहीं आया उसमें, तो ठीक है, थोड़ा तसल्ली मिली। फिर भी हमें जब तसल्ली नहीं मिली हम फिर गए सर्जरी वाले डॉक्टर के पास, हमने वहाँ दिखाया जाके, वो बोले बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल फीवर तो नहीं आया। मैंने बोला नहीं सर, तो बोले ठीक है। वो पहले रिपोर्ट में आ गया था वो अपेंडिक्स, लेकिन दूसरी जो हमने अल्ट्रासाउंड कराया था, दूसरा अल्ट्रासाउंड, उसमें जो है बता रहे कि वो हाथों में सूजन दिखाई थी, वो कह रहे बच्चों के कीड़े हो जाते ना उस वजह से आ जाती है। तो अब बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, गैस की वजह से वो प्रॉब्लम हो गई थी, और अब गैस जो है बिल्कुल ठीक है वो। और अभी मुँह आके मैं धो चुकी हूँ, हर्षू को मैंने दोबारा आके नहलाया। और हर्षू जो है ना, धूप देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी निकली हुई है आज की, ये मैंने अपनी साड़ी यहाँ पे डाल रखी, बाकी के जो कपड़े मैं ऊपर डाल के हैं। और हर्षू लेके खड़ा हुआ इनको, है ना, ये हम डालेंगे जाके छत पे। वो जब भी सोचो ना कि छत पे कुछ सामान धूप लगा दो दिखा दो, तो फिर ये ना राशन में बंद के आए थे, राशन की कट्टे की बोरी होती है ना जिसमें सारा सामान राशनिंग का होता है ना, उसी साबुन सर्फ शैम्पू सब कुछ था उसमें, तो ये भी बंदे रखे हुए थे राशनिंग में भरवाए थे। फाड़ पूरे बाबू, इसमें ना गाइस, इसमें साबुन की ना महक स्मेल सी घुस गई है, बूंदी के अंदर भी और चनों के अंदर भी। तो अभी धूप काफ़ी तगड़ी निकली हुई थी, मैंने सोचा कि इनको डाल दूंगी और धूप फिर से गायब हो गई। तो बने भी आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में, चावल बना रही हूँ, कल रात की बैंगन आलू की सब्जी रखी हुई है वो खाएंगे, और सोच रही एक कप चाय बना के। हाँ बैंगन आलू ना,
बैंगन आलू है रसेदार, और चावल गर्मा गर्म बना रही, तो सोच रही हूँ रसेदार चावल आलू और अचार और बैंगन आलू की सब्जी खाएंगे, है ना। हर्षू बोल रहा था मुझे रोटी खानी, पर मैंने बोला मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, तो चलते हैं फटाफट। पहले इसको अगर धूप निकली तो धूप दिखा देंगे। हर्षू पन्नी पाड़ने में लग पड़ा, तो खाना वाना खाने के बाद में आपको मिलेंगे शाम। सो गाइस गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है और मैं सो के भी उठ चुकी हूँ। बच्चे 5 बजे जो है ट्यूशन चले गए, अपना ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और फ्रेंड चलते हैं, पंखा भी बंद कर देते हैं क्योंकि दोपहर से चल रहा है कि मुझे नींद आ रही थी, तो मैं बाहर से बच्चे शोर मचा रहे थे, तो बाहर बालकनी में बच्चे थे हॉल में, और मैं यहाँ पे आके सो गई आराम से। तो चलते हैं फ्रेंड, अब मैं जाने वाली हूँ मार्केट। उससे पहले खाए हुए दोपहर के जो बर्तन है वो धो देती हूँ और एक कप बना लेती हूँ गर्मा गर्म चाय। वैसे तो दोपहर में मैंने 1 कप चाय बना के पी थी, पर फिर भी शाम का टाइम है, जब तक मैं मार्केट से वापस आऊँगी तब तक मुझे लग रहा है कि 8 बज जाएगा। तो चलते 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और जो अपने दोपहर के बर्तन हैं वो भी धो लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि आज शाम के खाने में क्या बनाते हैं। तो चलते हैं फटाफट, जो है रेडी हो जाते हैं। मैं मार्केट जाने वाली हूँ, मदनगिरी मार्केट, क्योंकि फ्रेंड सामान लाना है बहुत सारा। वैसे तो मैं आज में बुधवार मार्केट जो है गोविंदपुरी में लगती, वहाँ जाने वाली थी, पर फ्रेंड वहाँ नहीं जाऊँगी, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। वो सरोजिनी नगर वगैरह मार्केट जाऊँगी किसी दिन अगर टाइम होगा तो, वो भी हस्बैंड के साथ जाऊँगी। तो चलते हैं फटाफट, बर्तन वगैरह धो लेते हैं और शाम की 1 कप चाय बना लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम मदनगिरी की मार्केट। मदनगिरी मार्केट से मैं क्या लेके आऊँगी वो भी आपको जरूर दिखाऊंगी। खाने पीने का सामान लाऊंगी तो, और वैसे भी कुछ लाऊंगी तो, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। सो यूट्यूब फैमिली, मैं तो हो चुकी हूँ रेडी, और घर का जो काम है साफ़ सफाई वाला वो भी मैंने कर लिया, बस खाना बनाना बाकी है, वो आने के बाद मैं बनाऊँगी। और फिर बच्चे तो अभी ट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, तो चलते हैं मदनगिरी की मार्केट। पर्स मेरा इंतज़ार कर रहा है, और वाटर लेक ले लेती हूँ छोटी सी पानी की, और थैला ले लेती हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ फैमिली की आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल के न्यू ब्लॉग में, कुछ अच्छा फिर कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।